इसने इसने शिनाख्ती कार्ड बनवाए 5, फर्जी बनवाए, दुनिया जानती है, इसने एक्सेप्ट किया, सचिन ने एक्सेप्ट किया, तो एक सेक्शन तो वो बन गया 420, 467। दूसरा कॉन्स्पिरेसी से भारत आई, ठीक है, अधिनियम 14 के तहत 120B में ये बेल आउट है, तो अधिनियम 14 जब लग जाता है तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाता है, लेकिन 120B बेलेबल ऑफेंस है, ये बच्चों की वजह से ये बाहर है। अब इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 100% ये जेल में जाएगी। और मैं आपको बता दूं, आस पड़ोस की औरतों को बुला के पंचायत लगा रही है कि अगर किसी तरह मुझे ATS उठाती है या भारत सरकार मुझे जेल में बंद करती है तो तुम लोग प्रोटेस्ट करना, मत धरना प्रदर्शन करना, जो भारत की लैंग्वेज में बोला जाता है हिंदी में, तुम प्रोटेस्ट करोगे तो भारत सरकार प्रेशर में आएगी और मुझे शरणार्थी के तौर पर यहाँ रख लेगी, ऐसा ये अपने आस पड़ोस की औरतों को बुला बुला के बोल रही है, और उन्हें लालच भी दे रही है कि मैं तुम्हारा चैनल चलवाऊंगी। मुझे मेरी कजिन ने बताया, सर मैं बिल्कुल लीगल बातें बता रही हूँ आपसे, सर जो टावल वाला है ना, अब ये तो है जो ऑडियंस है वो तो एकदम से मतलब पीछे पड़ जाती है, सर देखिए उसका जो आईपी एड्रेस है वो मेरठ का ट्रैक हुआ था, और सर जो उसका आईपी एड्रेस जहां पे ट्रैक हुआ था उस लोकेशन पे मतलब वो बंदा नहीं मिला, तो उसके फादर से पूछताछ करी, उन्होंने कहा कि जो हमारा लड़का है वो तो 3 दिन से बाहर है, 3 दिन से बाहर है कि आते ही हम उसको भेज देंगे। अब उसमें पुलिस एकदम से उसके बाप को तो उठा के लेके नहीं आएगी, फिर भी सर हमने प्रेशर बनाया हुआ है, पुलिस वाले कहते हैं देखते हैं कल तक क्या होता है, नंबर उसके सर्विस लेंस भी लग चुके हैं, घर से उसका नंबर मिल चुका है, अब देखते हैं सर कल क्या होता है। और जो भी मुझसे सवाल कर रहे हैं मैं बता दूं, साइबर क्राइम के अंदर, नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर ये आता है कि तुम ऑनलाइन जाके किसी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तुम किसी को धमकी दो या किसी के साथ बदतमीजी करो, स्पेशली फॉर फीमेल, बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम के अंदर आता है। सर ATS की इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, लेकिन अभी करंट में कोई ATS उनके घर पे नहीं पहुंची, ATS की जो जांच है वो मिनिमम कंप्लीट हो चुकी है, उन्हें 1.5 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, जिसपे इस पे एलिगेशन सेक्शन धाराएं जो भी कुछ लगेंगी, आधार कार्ड फर्जी बनवाया था जो इसने बनाया था सर, वो 467 के अंदर आता है, और सर उसमें 10 साल तक की सजा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जो 5 आधार कार्ड बनवाए गए हैं, तो सर अब तो इसका जेल जाने की तैयारी हो रही है, अब कोई ATS वगैरह, ये ओल्ड वीडियो है सर। और सर देखिए आपका जो चैनल है वो रियलिटी दिखा रहा है, नहीं कोई नया नहीं पड़ा। और सर आप एक बात बताइए, भारत सरकार का, सर बड़े मुल्कों में भारत आता है, ठीक है, भारत सरकार भी जानती है कि अगर इन बच्चों को यहाँ पे रखा भी गया शरणार्थी के तौर पर तो इन बच्चों को तुम सिटीजनशिप नहीं दे सकते, क्योंकि पूरा देश खड़ा हो जाएगा कि बाकी लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिली तो सीमा को क्यों। दूसरी बात, बच्चों को ना कहीं जॉब मिल पाएगी, ना बच्चों की पढ़ाई हो पाएगी, बच्चे जीवन में एक बैंक अकाउंट तक नहीं खोल सकते सर। तो आप मुझे एक बात बताइए, भारत सरकार बच्चों को लेकर बहुत अच्छे कानून भी है, तो सर वो बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगी क्यों। बिल्कुल बिल्कुल। और सर सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी की, अब तो सीमा हैदर है, चलो हमने माना सीमा हैदर एजेंट नहीं है, आने वाले टाइम में कोई इस तरह एजेंट भी आ सकता है सर, तो क्या देश की सिक्योरिटी को खतरा नहीं है। सारी चीजें रडार पर है, सीमा रडार पर है, मैं आपको बता दूं, पता चल पा रहा। और सर जो मेरी कजिन है रबुपुरा के अंदर, उसने मुझे बताया कि सीमा पूरी तरह से डरी हुई है, दिन में कम से कम 2-2, 4-4 बार वो रोती है ये कह के कि कहीं ATS मुझे अंदर बंद ना कर दे जब इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद। सीमा के बच्चों भी यहाँ पे सेफ नहीं है, चलो मैंने माना सीमा के बच्चे को मदरसे में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है सपोज, लेकिन 90% जनता जो सीमा और सीमा हैदर को लेकर जो मतलब गुस्से में है, पूरी उबल रही है कि हमारे भारत में इनलीगल तरीके से आई, सोसाइटी को गंदा मैसेज दे रही है, क्या पता वो बच्चों के साथ कोई मिसहैपनिंग कर दे, बच्चों की जान को भी तो खतरा है भारत के अंदर। पाकिस्तान को लेकर कोई अच्छी सोच तो है नहीं भारत की, भारत को लेकर पाकिस्तान की नहीं, ये मैं मतलब कोई सियासी मुद्दा नहीं उठा रही, एक रियल बात बता रही हूँ। तो आप एक बात बताइए, कल उसके बच्चे मदरसे में, चलो पढ़ने भेज दिया मदरसे में बिना आधार कार्ड के, उर्दू पढ़ना सिखाने भेज दिया, तो क्या वहाँ बच्चे सेफ है, उसके कौन गारंटी लेगा उन बच्चों की। नहीं मैं तो एक बात बता रही हूँ कि अगर उस पर रहम भी खाया जाए, सपोज करो अगर वो बच्चे भेज भी दिए जाते हैं मदरसे में, हालांकि वो जाएंगे नहीं, तो क्या गारंटी है कि उनकी जान को खतरा नहीं है, वो बच्चे सेफ है। अब सीमा हैदर कहीं बाजार नहीं जा सकती, कुछ नहीं जा सकती, ऑनलाइन शॉपिंग कर रही है, तो सर ये कोई लाइफ थोड़ी ना है, वो सारी जिंदगी ऐसा ही रहने वाला है, जेल ये जाएगी, बच्चों की लाइफ बेकार होगी। सर इंडिया गवर्नमेंट तो सोचेगी, पाकिस्तान गवर्नमेंट कोई कदम तो उठाए, गुलाम हैदर जी कोई कदम तो उठाए। मैं आपको बता दूं मैम, संसद के अंदर इतने मिनिस्टर है जो पूरे देश की बातों को रखते हैं PM और CM के सामने,
ठीक है, और मैं जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उनके सामने, लेकिन मैं संसद की हर रोज न्यूज में वॉच करती हूँ, लेकिन संसद में हर मुद्दे उठते हैं भारत के विकास को लेकर, भारत की गलतियों को लेकर, भारत की डेवलपमेंट को लेकर, लेकिन मैम सीमा हैदर को लेकर संसद में एक भी मुद्दा नहीं उठता। तो मेरा ये सवाल है अपनी सरकार से, मुझे पाकिस्तानी सरकार से कोई शिकायत नहीं है, मैं खिलाफ भी नहीं हूँ अपनी सरकार के, लेकिन मेरा मैम ये सवाल है कि क्यों संसद के अंदर सीमा हैदर का मुद्दा नहीं उठाया जाता। मैम जिस तरह, चलिए मैं मानती हूँ सीमा हैदर एजेंट नहीं है, वो अंडर प्रेशर है, कल को कोई एजेंट अगर ऐसा आ जाए भारत के अंदर तो क्या भारत डेंजर में नहीं होगा? क्या 9/11 को भूल गया भारत, जिसमें इतने इनोसेंट लोगों की जान गई थी? बताइए मैम। तो मैम मेरा सिर्फ ये सवाल है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और मैं साक्षी से भी बिल्कुल एग्री करूंगी। साक्षी जी मैं आपको बताऊं, हमारा जो मुल्क है ना वो दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा शिकार रहा है, ठीक है। हमने पुलिस के सिपाही से लेके एडिशनल आईजी तक को यहाँ पे मारा गया है, फौज के एक सिपाही से लेके हमारे लेफ्टिनेंट जनरल तक को मारा गया है दहशतगर्दी की वारदातों में। तो ये हमारे लिए भी एक कंसर्न की बात है। और इल्जाम अगर हमारे पड़ोसी मुल्क में कुछ भी होता है उसका इल्जाम डायरेक्ट बराए रास्त पाकिस्तान पे आता है। ये सारी चीजें तो एग्जिस्ट करती हैं और ये जब तक दुनिया है वो ये चलेंगी, अप एंड डाउन ये चलता रहता है हम दोनों कंट्रीज। चलिए मैम एक बात बताइए, मैम एक बात बताइए, आज के टाइम में ये नहीं पता कब किसको ब्रेन हेमरेज हो जाए या कब किसको हार्ट अटैक आ जाए, कुछ नहीं पता। अगर भगवान ना करे मतलब सीमा हैदर को कोई ऐसा उसके साथ इंसिडेंट होता है, उसको कुछ हो जाता है, अगर सीमा हैदर मर जाती है या उसके किसी बच्चे को भी कुछ हो जाता है, अभी तक पाकिस्तानी सरकार का एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं आया कि सीमा हैदर हमारी सिटीजन है, आप प्लीज उसे रिपोर्ट करिए, वो भारत में किस लिए है, वो अंडर प्रेशर है या नहीं है। लेकिन अगर उसके बच्चों को या सीमा को यहाँ कुछ भी होता है, इफ एनी केस, तो मैम एकदम से मैम आप देखिए पाकिस्तानी सरकार हरकत में आ जाएगी। तो मैम क्या इंतजार कर रही है पाकिस्तानी सरकार इन सब चीजों का? बताइए, गलती तो पाकिस्तानी सरकार की भी है जो सिंगल स्टेटमेंट भी नहीं दे रही। देखिए यहाँ पे गलती दोनों की है, ये इंडिया जो है उनको भी पाकिस्तान से क्या सिफारती सतह पे एक सरकारी सतह पे जवाब मांगा कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन मिली है, ये सिवाय मीडिया के कोई ऑफिशियली कांटेक्ट किया गया कि आपकी एक सिटीजन ऐसे ऐसे करके हमारे कंट्री में आ गई है, आपका क्या रिस्पॉन्स है यहाँ पे? मैं भारत सरकार के साथ हूँ मैम, बिल्कुल साथ हूँ। जो हमारी एजेंसीज है उन्होंने जब इसको अरेस्ट किया था विद इन 24 आवर्स इंतला की थी पाकिस्तानी सरकार को, उन्हें बताया था कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे आई है, उधर से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। ये बिल्कुल रियल है मैम, भारत सरकार ने यहाँ पे जो चीजन था कि हमारे यहाँ भी आगे इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसमें जो एक ट्रांजिशन एक पीरियड चल रहा था उसमें आपको पता है कि तीन महीने ऑलमोस्ट इस चीज को लगे कि निगरान हुकूमत आएगी, उसके बाद फिर जो ट्रांसफर रिसफल होंगे तो सारे चार्जेस काफी सारे महकमे ऐसे थे जिनके जो हेड्स थे वो डिसाइड होना थे और उनको चार्जेस मिलना था और फिर उनको लेना था और अपना वर्किंग स्टार्ट करनी थी। तो ये 3-4 महीने पिछले जो हमारे कंट्री के अंदर गुजरे हैं वो इन सारी चीजों को सेटल होने में लगे। अगर मैं सिर्फ यहाँ से अपने सूबे सिंध की बात करूँ ना तो वहाँ पे अभी तक बहुत सारे महकमे ऐसे हैं जिनके सेक्रेटरीज को आना अभी बाकी। उसकी वजह से हो सकता है कि इन्होंने इंडिया की तरफ से रापता किया गया हो, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि इस तरह के जितने भी मैटर्स होते हैं उनमें सीनियर ऑफिशियल की रजामंदी होना, उनसे रापता करना जरूरी होता है। तो उस टाइम पे एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जूनियर ऑफिसर तो हूँ, अमला तो होगा, लेकिन वो जो एंड में जो कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी जैसे DG है आप कह लें, फॉर एग्जाम्पल जैसे FIA, तो एंड में DG FIA आते हैं, जब तक उनका अप्रूवल नहीं आ जाता है तो आपको डायरेक्टर FIA भी जवाब नहीं देगा, वो वेट करेगा। और ये इस तरह के भी इवेंट्स हो सकते हैं मैम, मेरे पास वो ऑफिशियल लेटर भी है जो इंडियन गवर्नमेंट ATS ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी एजेंसीज को भेजा था। मैं पहले मैं ये सोचती थी कि भारत सरकार ने जो है वो कोई कदम ही नहीं उठाया, उन्होंने मतलब कोई राबता ही नहीं किया पाकिस्तानी सरकार से जब सीमा हैदर को यहाँ पकड़ा गया था। उन्होंने गुलाम हैदर को भी फोन किया था, आप कविता मैम से पूछ लीजिएगा, ये बात गुलाम हैदर ने खुद एक्सेप्ट की है कि मेरे पास इंडिया से कॉल आई थी कि तुम्हारे बीवी और बच्चे यहाँ पे है,
इस तरह से आए हैं। और मैम उन्होंने पाकिस्तानी सरकार को एक लीगल नोटिस दिया था, जब इधर से कोई रिस्पोंड नहीं गया तो मैम बताइए ये भी बात सही है, अटारी बॉर्डर पे तो मोदी और योगी लेके खड़े होंगे नहीं। सर एक बात, आपके पाकिस्तान में एक सरबजीत का मैटर हुआ था, तो सर जब तक ये नहीं पता था इंडिया में कि सरबजीत पाकिस्तानी जेल में है तब तक कुछ भी नहीं हुआ, जब पता चला कि इंडिया मतलब पाकिस्तान की जेल में सरबजीत है तो सरबजीत की बहन ने जिसके ऊपर मूवीज भी बनी हुई है भारत सरकार से कॉन्टेक्ट किया कि प्लीज हमारे भाई को पाकिस्तान की जेल से रिहा करा के भारत डिपोर्ट कराया जाए। अनफॉर्चुनेटली डिपोर्ट होने से पहले उनकी मौत हो गई थी, लेकिन क्या भारत सरकार ने पाकिस्तानी एम्बेसी से कॉन्टेक्ट नहीं किया, क्या पाकिस्तानी एम्बेसी ने सपोर्ट नहीं किया? सर सब कुछ होता है, तो क्या गुलाम हैदर अगर यहाँ आकर अपनी सरकार से बात करते हैं, उन्हें लेटर लिखते हैं, जितना वो सोशल मीडिया पर गिड़गिड़ाते हुए नजर आए, अगर वो उतना गिड़गिड़ा के लीगली तरीके से अपनी सरकार के पास जाएंगे कि भारत सरकार से कॉन्टेक्ट करे, तो आप एक बात बताइए सीमा हैदर को वो डिपोर्ट क्यों नहीं करेगी? भारत सरकार खर्चा चला रही है तो सचिन के परिवार का चला रही है, अपने बच्चों का चला रही है, भारत सरकार को तो कोई फंड या कोई टैक्स नहीं दे रही वो। सर मतलब जरूरत है गुलाम हैदर को कन्वेंस करने की, रोशन अजीम सर को कन्वेंस करना चाहिए गुलाम हैदर भाई को, तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। अगर 20 लाख से ऊपर की पर ईयर पर अनम ट्रांजेक्शन है तो 110% सचिन को टैक्स पे करना ही करना पड़ेगा। बीपीएल कार्ड तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक सचिन के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। अगर सचिन के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी 20 या 25 लाख से ऊपर की, तब तक बीपीएल कार्ड भारत सरकार नहीं ले सकती। ये मैम हमारे जो टर्म्स ऑफ कंडीशंस के अंदर आता है।